मेरा नाम श्रद्धा खापरा है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं प्यार से मुझे माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी या श्रद्धा दीदी के नाम से भी जानते हैं। अब मेरे जो टेड टॉक का टाइटल था, दिस इज़ माय फर्स्ट टेड टॉक बाय द वे। And I'm so happy that it's happening in Punjab because मेरा पहला सेमिनार भी पंजाब में ही हुआ था। So मेरा जो टेड टॉक था उसका टाइटल था कि ग्रोइंग अप विद टेक्नोलॉजी मेरी क्या जर्नी रही। तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा और मैंने इस जर्नी को 3 फेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट जो था मेरी जर्नी का, दैट वाज एन ऑब्जर्वर पार्ट। टेक्नोलॉजी जो थी, आई वॉज बॉर्न इन 1999, तो वो बचपन से ही थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी। बचपन में मुझे याद है मेरे पापा इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरीज बहुत सारी लेके आते थे मेरे और मेरे भाइयों के लिए। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो हमें हॉलीडे होमवर्क करना था, पहले हम इंसाइक्लोपीडिया से देख के कॉपी किया करते थे। उसके बाद मेरे गाँव में इंटरनेट कैफ़ेज़ आने लग गए, तो हम जाते थे, 10 रुपये देते थे, वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंट आउट करवा के फिर उसको लगाते थे स्क्रैप बुक के अंदर। उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें आने लगी। फेसबुक के बारे में फ़र्स्ट टाइम सुना। मेरे भाई ने मुझे ऐप्स के ऊपर मतलब चीज़ें जो है वो करना सिखाया। एंड यहाँ मैं जिस भाई की बात कर रही हूँ वो मुझसे 2-3 साल छोटा भाई है। तो टेक्नोलॉजी जो है, मुझे फ़ील होता है कि जब आप एज एन ऑब्जर्वर, एज अ यूज़र उसको यूज़ करते हो, तो जितने आप यंग होते हो वो उतना जल्दी आपकी लाइफ में एसिमुलेट हो जाती है। जैसे वो मेरी लाइफ में हुआ था बचपन के अंदर। आई रिमेंबर अ टाइम जब बचपन में हम 10-15 रुपये का रिचार्ज कराया करते थे एंड उसके बाद फाइनली एकदम से जियो आ गया था। तो कितना ज़्यादा क्रेज़ था, एटलीस्ट मेरे हाउस होल्ड में तो पूरा था। वी वर वेटिंग फॉर मंथ्स टू गेट अ सिम ऑफ जियो, ताकि हम भी अनलिमिटेड चीज़ें कर पाएँ। वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस वॉट बींग मॉडर्न फील्स लाइक। सो दिस वॉज माई फर्स्ट फेज विच वॉज एन ऑब्जर्वर फेज, जहाँ मैं एक यूज़र थी, जहाँ मैं एक कंज्यूमर थी टेक्नोलॉजी की। उसके बाद जेई की जर्नी स्टार्ट हुई एंड एक बार जेई की जर्नी शुरू होती है तो आप खो जाते हो उसमें 2 साल तक एटलीस्ट। एंड फिर शुरू हुआ सेकेंड फेज। सेकेंड फेज वॉज द क्रिएटर फेज। मुझे मतलब हमेशा से लगता है दैट कोडर्स आर क्रिएटर्स, प्रोग्रामर्स हु बिल्ड समथिंग, दे यू नो make it for people to use and it takes a lot of effort to do that। तो मेरी जो creator journey थी उसमें शुरू में पहली चीज़ तो यही सीखी। लैपटॉप मिला था कॉलेज के अंदर फर्स्ट टाइम, उससे पहले C++ स्कूल के अंदर किया था। एंड स्कूल के अंदर जब आप चीज़ें सीखते हो, एटलीस्ट मेरे स्कूल के अंदर ऐसा होता था कि पूरा साल आप कॉपी पर लिख कर कोड किया करते थे। आपको नहीं पता होता था वार्निंग्स क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं, इसमें सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया तो कोई एरर आएगा क्या। पूरा साल उसी तरीके से हम सीखा करते थे। एंड कॉलेज के अंदर जाकर फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी को जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया लैपटॉप के थ्रू, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे स्कूल में, मेरे पास नहीं बट मेरे बहुत सारे कज़न्स होते थे जिनके पास होते थे, तो उनको देखा था स्पाइडर सॉलिटेयर खेलते हुए या कुछ और करते हुए। तो उस टाइम पे बहुत फैसिनेटिंग लगता था। पर जब आप एज एन ऑब्जर्वर, एज अ यूज़र टेक्नोलॉजी को देखते हो, तो एटलीस्ट मेरे जैसे बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट आता है, फैसिनेटिंग लगता है पर थोड़ा सा स्कैरी भी लगता है, थोड़ा सा फियर आता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप समझते नहीं है कि वो चलती कैसे है, उससे हम थोड़ा सा हल्का सा दूर रहना चाहते हैं, जो कि मैं भी किया करती थी। बट जब सेकेंड फेज़ आया एज अ क्रिएटर फेज़, जब मैंने अपना फर्स्ट वेब पेज बनाया, जब मैंने पहली बार अपने लैपटॉप पर अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जब मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, एक कोड लिखा था, जब चीज़ें मैंने खुद से सर्च करना शुरू किया कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से कैसे सॉल्व करना है। टेक्नोलॉजी के अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो मतलब उसका क्रक्स फॉर्म करती है, जिनमें से एक सबसे स्पेशल चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, वो ये कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से कैसे सॉल्व करना है। आप अगर एज अ प्रोग्रामर, अगर आपने प्रोग्रामिंग की है, कभी कोडिंग की है और आप शुरुआत वाली स्टेजेस में होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मतलब रोकेगी उस चीज़ को परस्यू करने से, दैट विल बी योर वार्निंग्स, योर एरर्स। यू विल फील लाइक कि ये चल क्यों नहीं रहा, ये चल क्यों नहीं रहा, थिंग्स वोंट मेक सेंस। बट दैट इज़ काइंड ऑफ हाउ लाइफ ऑल्सो इज़। एंड देन वी टेक आवर फर्स्ट स्टेप। हमेशा बचपन से स्कूल से कॉलेज तक ऐसा होता था कि कोई ना कोई आकर हमें बता देता था, हमारे जो प्रॉब्लम्स होते थे उनके फिक्स सॉल्यूशन होते थे। बट व्हेन यू बिकम एन इंजीनियर, when you become a software developer, you have to figure out your own solutions। बिकॉज यू आर बिल्डिंग सिस्टम्स जो पहले किसी ने देखे नहीं। किसी ने जब व्हाट्सएप बनाया होगा तो ज़रूरी नहीं है पहले व्हाट्सएप एग्जिस्ट करता था तो उन्हें पता होगा कि किस तरीके से इतने सारे इनकमिंग आउटगोइंग मैसेजेस को मुझे देखना है, किस तरीके से जाएंगे। किसी ने जब फेसबुक बनाया होगा, किसी ने जब ट्विटर बनाया होगा, किसी ने जब यूट्यूब बनाया होगा तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा फर्स्ट हैंड कि इतनी सारी वीडियोस को एक टाइम पर स्ट्रीम कैसे करवाना है। तो जब आप उस डेवलपर वाले फेज़ में होते हो, जो मेरा क्रिएटर वाला फेज़ था, उसमें आई लर्न टू सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम्स एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग आई बिलीव देयर इज़ दैट कम्स फ्रॉम प्रोग्रामिंग। तो उसी फेज़ के अंदर आई डिड अ फ्यू इंटर्नशिप्स, 2 of them in Microsoft, 1 in DRDO, and then I moved on to my professional journey, जिसमें I was a software engineer at Microsoft, and everything was going very well. I was working on technology that was cutting edge. Microsoft के अंदर my first जो internship थी that was related to quantum programming, and I could see how physics blends with programming. Second internship was related to some huge and some really scalable systems that we were building there. And my full time जो मेरा joining था as a software engineer, उस चीज़ के बाद I started to realize that there is something more to this. I started to analyze my own journey. मैंने जब shift किया from an observer to a creator, I realized कि I was less scared of technology. I could understand it more and I felt more confident while using it. पहले मुझे लगता था WhatsApp भी मुझे थोड़ा सा स्केरी लगता था बिकॉज आई कॉन्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर हैपनिंग। अगर मेरे पास मौका होता था कि मुझे एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या एक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करना है, आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू वॉक डाउन टू द बैंक, टू गो टू द ATM एंड देन डू इट। तो मेरी जो शिफ्ट था वो शिफ्ट इन माइंडसेट था जो आया जब आई स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स। एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ था मेरा थर्ड फेज। थर्ड फेज के अंदर third phase was my teacher phase, जिसके अंदर I resigned from my job and I started teaching on YouTube and I started teaching on Apna College. We created Apna College with the vision कि जो students हैं उनको वो चीज़ें सिखाई जाएँ जो शायद college नहीं सिखा पाता, जो शायद actually practical scenarios में उनको help करेंगी. With that vision we started it with the vision of upskilling and with the vision of giving the opportunities in a more practical sense. And I was like शुरुआत में as a teacher I started my journey. I started teaching programming, I started teaching C, Java, Python, and शुरुआत में मुझे लगता था it's only for engineering student that I'm teaching engineering student, mostly students who are interested in computer science and who are doing BCA maybe or who are doing BSc in computer science. And I felt like this is my audience, these are my students. But if I talk about yesterday, like things have changed so much in the past 6 months. Yeah, कल हमारे पास हज़ारों मेल आए थे because we launched something called Alpha. And उसके अंदर मैंने थोड़े से मेल्स पढ़े, उसमें से एक मेल कहता था कि मैं एक 13 साल का बच्चा हूँ एंड मुझे दीदी कोडिंग करनी है, तो मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ? आपके पाइथन के लेक्चर देख के फिर मैं मशीन लर्निंग सीख लूँ क्या? एंड मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक 13 साल का बच्चा ये ईमेल कैसे लिख सकता है, बिकॉज मैं जब 13 साल की थी तो मेरा छोटा भाई मुझे क्रोम डाउनलोड करना सिखाया करता था। एक सेकेंड ईमेल पढ़ा था जिसमें देयर वॉज दिस 38-year-old woman. She was restarting her career. She was now pursuing her PhD after a gap of like 8 years or something. And she said कि I am doing my degree now, but क्या मैं coding से शुरुआत कर सकती हूँ? Because मेरे का tech sector में थोड़ा सा interest है और मैंने videos देखे तो मुझे लगा कि this is something I can do. मतलब देख कर सीखा जा सकता है। तो धीरे धीरे अब मुझे realization आया है कि मेरे जो students हैं वो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं हैं। आई फील कि टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे आर इम्पैक्टिंग नॉट ओनली कॉलेज स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन स्कूल, स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन लाइक मिडिल स्कूल एंड पीपल हु आर यू नो ओल्डर इन एज एंड हु वांट टू मे बी शिफ्ट देयर करियर्स और हु वांट टू यू नो लर्न समथिंग न्यू एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं गांव के बैकग्राउंड से आई थी तो मेरे लिए तो टेक्नोलॉजी को जो समझना था वो मुश्किल था, बट अगर मैं खुद को अपने पर्सपेक्टिव उस पर्सपेक्टिव में डालूँ जो एक 20 साल बड़े व्यक्ति का होगा, तो उस पर्सपेक्टिव से तो मुझे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा स्कैरी लगने लग जाती है। तो अब जब मैं वीडियोस बनाती हूँ अपने कि किसी को कुछ सिखाना है, तो मैं उस माइंडसेट के साथ बनाती हूँ कि इस वीडियो को देखकर एक 13 साल का, 12 साल का, 10 साल का बच्चा भी सीख रहा होगा कि जिस चीज़ों से वो सराउंडेड रहता है 24/7 वो काम कैसे कर रही है। और एक 40 साल का व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति ये समझ पाएगा कि जो चीज़ें एकदम से आ गई हैं उनकी लाइफ में, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, वो एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। इट विल बी ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड द चेंजेस जो उनकी लाइफ में आए हैं। एंड उसके अलावा लाइक ऑन टॉप ऑफ दैट आई मेक द वीडियोज़ विद द माइंड सेट कि जो मेरी शुरुआत वाले स्टूडेंट्स थे विच आर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको कैसे प्रैक्टिकल वे में मैं सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है, गाइडेंस होती है, वो कैसे दे पाऊँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद कॉलेज प्रोफेसर हमें नहीं बताते, कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद आपका कॉलेज सीनियर भी ना बताए बिकॉज वो इतना डेडिकेटेड नहीं है उस चीज़ के ऊपर। पर मैं उन चीज़ों को बताने से नहीं झिझकती। अगर कुछ ऐसा होता है जो मुझे लगता है मैंने अपनी गलतियाँ करके सीखा है, कुछ ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि मैंने रास्ते में वो गड्ढा देखा था, मैं शायद उसमें गिर गई थी या गिरते गिरते बची थी, तो मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स को कि उस गड्ढे से बचना कैसे है। In the past few years, one thing I've realized is कि success, when we see it, because I was also a college student a few years ago, and success का पहले ये होता था कि आपको कुछ extraordinary करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा, कुछ magical करना पड़ेगा। But success is a sum of two things. First of them is कि आप consistent रहो, even if you are doing anything. अगर आजकल तो वैसे बहुत इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप चाय भी बेचते हो, आप कोडिंग करते हो, आप यू डांस, यू आर अ क्रिएटर और यू आर अ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, यू डू एनीथिंग। द बेस्ट मंत्रा इन एवरी प्रोफेशनल फील्ड देयर इज कंसिस्टेंसी। द लॉन्गर यू डू इट, द बेटर यू डू इट एंड द बेटर द रिजल्ट्स विल बी। एंड आपको शुरुआत में लगेगा कि आप धीरे धीरे चल रहे हो, ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट सक्सेस जब आती है वो कंपाउंडेड फॉर्म में आती है, वो एकदम से जंप होता है 10x का, 15x का। तो उस जंप के लिए मतलब हम वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं जहाँ हम एक्चुअली रिजल्ट्स नहीं देख पाते। एंड सेकेंड थिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस, द सेकेंड पार्ट इज़ दैट अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट कंसिस्टेंटली, आपके पास कोई फिक्स पाथ नहीं होता सक्सेस का। ऐसा नहीं है कि हम किसी की बायोग्राफी समझेंगे, पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें मुझे करनी है तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या मैं ऐसे बन जाऊंगा, वैसे बन जाऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि हम दूसरों की लाइफ से जो बेस्ट लर्निंग ले सकते हैं वो ये है कि कौन से गड्ढे अवॉइड करने हैं, कौन सी फेलियर्स में नहीं कहूँगी, मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। क्योंकि सक्सेस बहुत फॉर्म्स में आती है, मिस्टेक्स बहुत कम फॉर्म्स में आती हैं, बहुत लिमिटेड फॉर्म्स में आती हैं, और उन्हीं को अगर हम एक बार अवॉइड कर दें तो हमारे लिए जो पाथ होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो जब भी आज कोई स्टूडेंट आके मुझसे पूछता है कि दीदी मुझसे कोडिंग नहीं हो रही या मेरे से ये नहीं हो रहा, इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, प्लेसमेंट कैसे लगेगी, ये सारी चीज़ें, तो आई इन वन फॉर्म और अनदर आई टेल देम दीज टू थिंग्स कि पहला तो ये देख लो कि आप कंसिस्टेंट हो या नहीं, आपने क्या कॉन्स्टेंटली ट्राई किया है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एंड उसके बाद आप बोल रहे हो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है या हो नहीं रही है। एंड दूसरी ये चीज़ कि जो चीज़ें पॉसिबल गलत जा सकती थी, जो आपके सीनियर्स ने आपको बता दिया गलत चली गई या किसी और ने बता दिया, उनको क्या हमने पूरा पॉसिबल वे में अवॉइड करने की कोशिश की है। अगर ये दो चीज़ें, मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ है, ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं तो उसके बाद सक्सेस इज़ अ स्ट्रेट पाथ। इट्स नॉट अ रैंडम जर्नी जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, ये आ रहे होंगे। And even if some problems come, some difficulties come, they are only there to make us stronger. So there is this beautiful quote, what doesn't kill you makes you stronger, and coding will definitely not kill you. In this learner, the summation of these three is my learner journey. And in this learner journey that is based on technology, if I tell you कि where we stand today, तो I feel really proud कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी मतलब at Apna College when I was teaching students, when I was teaching a lot of viewers of mine, we were at 20,000 subscribers every month. मतलब हर साल हमारे साथ 20,000 लोग और आकर जुड़ते थे। But I feel really humbled and really grateful to say कि आज हमारे साथ हर महीने 2 लाख लोग एक्स्ट्रा जुड़ते हैं. If I talk about हर महीने हम कितने स्टूडेंट्स को टच करते हैं, then the number crosses 3 crores because that is the amount of reach that the videos get. That is the amount of I would say scale the videos get. And I feel so proud in saying that कि हम इतने सारे स्टूडेंट्स को टच करके उन्हें टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, उनका टेक्नोलॉजी का डर दूर करते हैं. मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं अपने यंगर सेल्फ में जा सकती, उस टाइम पर इतना यूट्यूब नहीं होता था, कुछ ऐसा नहीं होता था, तो शायद उस टाइम पर जिन चीज़ों ने मुझे डराया वो शायद अब मुझे ना डराती. बिकॉज इफ़ आई हैड समथिंग लाइक दिस दैट वॉज making life simpler, making things simpler in life. तो इतनी सी journey है and this is my first TED talk. I am saying it again. So मेरी journey बहुत छोटी रही है अभी भी and I understand कि आने वाले अभी बहुत सारे साल हैं जिसमें और काम करना है और चीज़ें better करनी है and a life of a 22-year-old might not seem very inspiring and it's definitely not. We will definitely keep on working more and more on the mission that we have, which is to make technology simple and easy to understand for everybody. Because I feel आज की date में, like if you surround yourself with 10 things, 8 of them will be related to technology. And so it is our right to understand how it happens. And the best way to understand is to go through that creator phase. That I personally believe. एक बार आप किसी चीज़ को बना लेते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है एज़ कम्पेयर टू जब हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे थे. उस चीज़ के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगी. तो लास्ट 3-4 दिन के अंदर हमने काफ़ी सारे जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव किए हैं, जिनमें से एक वाज द लॉन्च ऑफ अल्फ़ा एंड लाइक अ ह्यूज रिस्पॉन्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम इट. तो like we are working towards this vision and I hope कि ज़्यादा से ज़्यादा students को हम touch कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा students को हम वो dreams achieve करने का confidence दे पाएँ जो शायद उस time पर हमारे पास नहीं था. because life में ये होता है कि आप कुछ बड़ा achieve करने के लिए कुछ बड़ा होते हुए देखना ज़रूरी है. आपके पास examples होने चाहिए, आपके पास ideals होने चाहिए जिन्होंने वो चीज़ की हो एंड उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ. तो वो कॉन्फिडेंस देने का पूरा प्रयास रहेगा हर एक स्टूडेंट को जो चाहता है कि टेक्नोलॉजी जो है उनकी लाइफ में वो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ. आई होप कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आती थी वो मैं इस टॉक से सिखा पाई हूँ. एंड आई ऑलवेज एंडेड बाय सेइंग आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट टेड टॉक में. Till then, keep learning and keep exploring.